यस, युवा अवस्था जीवन का बसंत है, उसे पाकर मनुष्य मतवाला हो जाता है। इस अवस्था में ना उसे कारागार का डर रहता है, ना वह हितकर कार्यों से भागता है। वह हानिकारक कार्यों से बचता है और गुणकारी कामों में लगता है। वह अपने को धर्मशील तथा बलशाली बनाना चाहता है और संतापहारी कार्यों से दूर रहकर मनोहर कार्यों को करना चाहता है। यह तेल वाले, आम वाले, कोचवान, इक्केवान, चरवाहे आदि अधिकतर बुद्धिहीन होते हैं। इन लोगों का व्यवहार संतोषजनक नहीं होता। तेल वालों के तेल में अक्सर इतनी मिलावट रहती है कि चिकनाहट तक नहीं रह जाती। दूध वाले तो कभी कभी दोगुना या तीन गुना तक पानी मिलाते हैं। यहाँ तक कि दूध का मीठापन तक निकल जाता है। इसमें उनका अपमान होता है और यही उनके दासत्व की निशानी है। ऐसे कार्यों के लिए कोई भी अक्लमंद नहीं कहा जा सकता। अगर ये ऐसा ना करते तो शायद अपने जीवन को सुखपूर्वक बिता सकते तथा धनपूर्णा और कटुता रहित बना सकते। अनुदिन मनुष्य को इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि पराजय तथा अपकीर्ति ना हो, चरित्र निर्मल तथा निष्पाप बना रहे, दुर्जन से बचा रहे तथा सज्जन का साथ हो। इसमें मनुष्य आजीवन सुखी रह सकता है। उनको दूसरों के साथ उपकार तथा इंसाफ करना चाहिए। तुम्हारा हर वक्त बाहर रहना हमें ना पसंद है। यह तुम्हारी प्रतिदिन की आदत सी हो गई है। बदमाश तथा नालायकों का समागम हो गया है। यह चिरकाल तुम्हारे जीवन यात्रा को सफल होने से रोकेगा। इसके कारण तुम अभी से दुष्कर्म में फंस गए और तुम्हारी आदत कुचाल की पड़ गई है। अब ना तुम पेट भर खाते हो, ना तुमको सहोदरों का ख्याल है। हर रोज बस हमजोलियों के साथ फिरा करते हो। यदि तुम यथाशक्ति अपने को इन कमबख्तों से दूर रखने का प्रयत्न
ना करोगे तो तुम्हारा हाल बेहाल हो जाएगा और विफल रहोगे ना बकायदा कुलागार की तरफ फिरा करोगे। स्टॉप।